अभी का जो क्लास है ये हेड मोबाइल के ऊपर क्लास है, ठीक है। ये जो क्लास चल रहा है ये क्या हेड मोबाइल के ऊपर क्लास चल रहा है, ठीक है। हेड मोबाइल, हेड मोबाइल में अगर मेरे पास कोई मोबाइल डेड कंडीशन में आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है, समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या चेक करना जरूरी है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे बोर्ड को, ये वाटर डैमेज है या वाटर डैमेज नहीं है। उसके बाद कस्टमर से पूछो ये ड्रॉप डाउन है या आपका चलते चलते बंद हुआ है, या तो आपका चार्ज में बंद हुआ है, ठीक है, या तो गेमिंग के टाइम में बंद हुआ या अपडेट में बंद हुआ, ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मुंबई डेट क्यों होता है, एक नंबर वन, और एक बार जेब में हाथ निकाले आए तो फेल्यूर, नंबर टू फोर्टीन, फोर्टीन मतलब ही पावर फेल्यूर, ठीक है, ये तो आपका हाफ सॉर्ट, ओके। फोर्टीन में क्या 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 होता है, फुल सॉर्ट और एक हाफ सॉर्ट, ओके। उनके बाद वेस्ट प्रॉफिट, उसके बाद वेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, नंबर फोर नंबर हो डेटा लाइन मिसिंग या तो वीडियो पिन मिसिंग या तो पिन ड्राई, ओके, इसके कारण हो सकता है, ठीक है। मेरा वॉइस क्राफ्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेरा सॉफ्टवेयर प्लस एमएमसी लेवल को प्रोग्रामिंग हो, ये सॉफ्टवेयर का इशू आ गया, ठीक है। तो हार्डवेयर का इशू में मैंने इनको हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका अपडेट के टाइम जो होता है या गेम खेल रहे तब भी होता है, इमरजेंसी का दिक्कत होगा तब भी होता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास आ गया डेटा लाइन मिसिंग या बीजेपी मिसिंग, ये क्या होता है ड्रॉप डाउन जो फिट होता है, या तो आपका ड्रॉप डाउन सेट में ये प्रॉब्लम होता है, या कोई भी हाथ से गिर गया है डेटा लाइन मिस हो गया, या तो बोर्ड से इनका बॉल घट गया, तब जाके मेरा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इनको भी मैं हटा देता हूँ। अभी मेरा पावर फेल्योर का दो रीजन है, ठीक है, एक फुल शॉट या हाफ शॉट या आईसी डैमेज, ठीक है। इसको जानने के लिए क्या क्या जरूरत है हम लोगों ने, सबसे पहले मेरा रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल और ट्रांजिस्टर, ये पांचों का हाफ शॉट फुल शॉट इनका जो वर्किंग है ये नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज मेरे पास नहीं है तब जटे कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा भाई, ठीक है। और वो जो काम कर रहे हैं रिवर्स में या फॉरवर्ड में वर्क कर रहा है ये भी देखना जरूरी है। उनके बाद वो सीरीज में है या पैरेलल में है ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। ये तो मैं इनको भी हटा लेता हूँ। अभी मेरा पावर फेल्योर है मतलब हम लोग डीसी में चेक कर रहे हैं, ठीक है, बीस जाके जीरो होता है, या तो कोई बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं, या तो 50 जाके जीरो हो रहा है, 70 जाके जीरो हो रहा है, ठीक है, तब मानते हैं हम लोग पावर फेल्योर है। लेकिन जब स्टार्ट होता है तब मन के चलता है इमरजेंसी का देता है। बट ये जो फेल्योर है इनको ढूंढने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर वन
नंबर वन इनका इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे कितना आएगा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट प्लस इसका नाम क्या होता है बी पास बी यूएसबी या तो बी चार्ज या तो बी एस ये नाम से होगा ये इधर तक हो जाएगा मेरा ईएमआई या चार्जिंग आईसी का इनपुट तक सेमिटिक में जिस तरह देखना है मैं दिखाया सेमिटिक में इनपुट तो सबसे पहले मेरे को इनपुट चेक करो मेरा इनपुट ओके हो गया लेकिन मेरा इनपुट ओके नहीं है तब जाके अगर ओवीपी शॉर्टिंग में है तब भी दिक्कत है मोबाइल पे या इनपुट लाइन कोई कैप शॉर्ट है तब भी दिक्कत है उनको सही करेंगे फर्स्ट रीजन इनपुट को मेरे को सही करना है ओके क्लियर नंबर टू क्या देखना है मेरा वीपी एज पावर में जितना बढ़ेगा और जो स्विचिंग कॉइल है वो साइड 3.7 बनेगा तो एक साइड थोड़ा ब्लैकिंग करेगा अगर नहीं करेगा तो मेरा कॉइल का भी दिक्कत हो सकता है या तो आईसी का भी दिक्कत हो उनके बाद आ गया मेरा बूट कैप इनका सिस्टम क्या है बोथ साइड इनका रीडिंग आएगा और नंबर वन साइड में अगर 3.7 आएगा तो ऑपोजिट साइड में इनका डबल आएगा ओके क्लियर सर डबल आएगा ये लाइन मेरा चेक कर लिया मैंने सही है उनके बाद क्या चेक करेंगे मेरा लाइन इसमें कितना आएगा रे 3.7 बट वो स्टेबल नहीं होगा वो स्टेबल नहीं होगा जब तक हम लोग बैटरी नहीं डालेंगे क्लियर इट उनके बाद क्या चेक होगा थर्मल लाइन बैक आईडी या तो यूएसबी आईडी लाइन ये लाइन भी चेक करना जरूरी है अगर ये लाइन मिसिंग होगा आईडी लाइन आपका मिसिंग होगा तब भी मोबाइल क्या होगा चालू नहीं होगा ओके थर्मल लाइन पे जो रीडिंग आएगा जो रीडिंग मेरा डायरेक्ट रीडिंग इधर मान लो मेरा 500 आया है ठीक है 500 आया है तो इधर उससे भी ज्यादा आएगा ठीक है बैक वीबैक में जो रीडिंग आएगा उनसे ज्यादा मेरा थर्मल लाइन पे आएगा उनसे ज्यादा मेरा यूएसबी लाइन पे आएगा क्लियर इट और इसका लाइन पे जो सेंसिटिव रजिस्टर है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा तो सेमिटिक में कैसे चेक करना है वो तो सबको पता है भाई उसमें जो डायोड है उसको चेकिंग कैपेसिटर ऐसे चेकिंग होता पता है ये सब आप लोग चेक करोगे ठीक है ओके क्लियर इसके बाद क्या चेक करेंगे भाई यूएसबी डीपी डीएम लाइन यूएसबी डीपी डीएम लाइन इधर क्या चेक करेंगे रीडिंग चेक करेंगे 600 की सॉरी आएगा बोथ साइड ओके 600 के करीब बोथ साइड आएगा भाई अगर मेरा सीपीयू का या रैम का दिक्कत होगा तो चार्ज में डालेंगे पॉइंट 6 एम्पीयर लेगा उससे ज्यादा नहीं लेगा पॉइंट 6 एम्पीयर ले जाए तब जाके सीपीयू करना पड़ता है ठीक है क्लियर अभी मेरा ये लाइन हो गया ये लाइन मेरा पूरा चेकिंग में आ गया पूरा ओके है तब जाके हम लोग क्या चेक करेंगे ठीक है उनके बाद क्या चेक करेंगे ये लाइन मेरा पूरा सब ओके है मतलब मेरा पावर सिस्टम जाने वाला लाइन मेरा ओके है तब जाके
तब जाके क्या चेकिंग होगा? नंबर वन पीएम का इनपुट लाइन, पीएम का इनपुट लाइन कितना होगा? अरे भाई 3.3 हो गया मेरा इनपुट लाइन, मेरा उधर चेक किया मेरा सही है। तब जाके क्या चेक करेंगे? ऑन ऑफ कितना आएगा? 1.8 लेटेस्ट में, लेकिन मेरा इधर फ्लैक्चुएट हो रहा है। तब क्या करेंगे? उस लाइन पे जो रजिस्टर और कैप है इनको भी एक बार चेक करेंगे वो सही है कि नहीं, ठीक है? इनको भी चेक करेंगे वो सही है कि नहीं। क्लियर आशा तुम अमीर थोड़ा क्लियर सुनो, ये मेरा ऊपर हो गया। अरे भाई अभी इधर वोल्टेज सही है या नहीं आ रहा है तो पावर आईसी पर चेक करेंगे भाई। अगर इधर वोल्टेज प्रॉपर है तो सबसे पहले क्या करना है, ऑन ऑफ की को शॉर्ट करो, शॉर्ट करके चार्ज बैग में करो या बैटरी लगा दो। उनके बाद क्या चेक होगा? उनका बाट वोल्ट, बाट वोल्ट चेक होगा। उनके बाद क्या चेक होगा? उनका मेगाहर्ट्ज लाइन जो पिस्टल का आउटपुट, ठीक है, ये मेन चेकिंग होता है। ये चेकिंग में आपको पता चल जाएगा पावर मेरा प्योर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। उनके पास और भी है टेस्ट पॉइंट है, इनका टेस्ट पॉइंट में टू जो पीएस होल्ड होता है, फोन रीसेट होता है तो रिसेट लाइन पे देखना पड़ता है 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीएस होल्ड में 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना पड़ता है। उसके बाद एचडी रैम जो रैम का आउटपुट वोल्टेज है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो वोल्टेज आपका सही नहीं होगा तब भी मोबाइल आपका चालू नहीं होगा, क्लियर दनिश भाई। ये होने के बाद, चेकिंग होने के बाद हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर में डीसी रीडिंग कितना है, एमएमसी देखेंगे, मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगों में है तो रिकवरी मोड में है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। बट मैंने जो जो बोला है आपको चेकिंग करने के लिए दो लाइन सबसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सेमेटिक में दो लाइन पहले ढूंढो, एक रिवर्स, एक बीएमयू इनपुट, ये दो लाइन ढूंढो। ये दो लाइन आपको मिल जाएगा, अगर ये दो लाइन आपको मिलेगा तो आप पूरा चेकिंग सेमेटिक में कर लोगे। पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट, पावर आईसी जो होता है पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट, तो पीएम पावर आईसी का इनपुट अगर चेक कर लेंगे हम लोग तो सेमेटिक जब ओपन कर इनपुट आ गया, फिर आप उनका जितने भी कोर वोल्टेज है, मोरे वोल्टेज है, एचडी रैम वोल्टेज है, फिर का लाइन है पूरा आप एक एक चेक कर पाओगे। रिवर्स इनपुट लो आपका चार्जिंग का पूरा सिस्टम आ जाएगा, उसमें आपका इनपुट लाइन तक ओबीबीसी लेके चार्जिंग का पूरा सिस्टम रिवर्स से लेके उनका जितने भी लाइन है वो लाइन पे जो कैपेसिटर है जो रजिस्टर है सिमिटिक आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी सेक्शन काम करने के लिए भाई हार्डवेयर सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, लेआउट चाहिए और सिमिटिक चाहिए। ये दोनों हो जाएगा, आप खुद टाइम लो मोबाइल के ऊपर धीरे धीरे चेकिंग करो। दो चेकिंग होगा, एक फुल टेस्ट, फुल टेस्ट में क्या होता है डायोड रीडिंग, ओके। दूसरा क्या चेक करना है, वोल्टेज, वोल्टेज मेरा डायोड रीडिंग सही है मतलब वो लाइन मेरा सही है, बट वोल्टेज जब चेक करोगे तब पता चलेगा मेरा वो लाइन काम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ओके। भाई मोबाइल लाइन पे दो लाइन है, एक पावर सेक्शन एक सीपीयू सेक्शन, सीपीयू से क्या आता है डाटा सीएल के कमांड रहता है, ये तीनों लाइन सीपीयू का है और पावर आईसी का क्या काम है कोर वोल्टेज जानना, पीएमआई का डीपीएच पावर देना, ये तीन लाइन दिमाग में रख। अगर इस लाइन में कुछ भी मिसिंग होगा तो आपका मोबाइल ऑन कभी नहीं होगा, और साथ में आपको हैंड स्किल, सबसे पहले हैंड स्किल जरूरी है,
अगर हैंड स्किल और मल्टीमीटर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। क्लियर? फिर बहुत उधर का मैं सेमिटिक का जगह अच्छी सेमिटिक का देख पाए लैंग्वेज जब लोग पढ़ लाम सेगल सेमिटिक का जगह अच्छी प्लस बोलते चिपको दे ये जो दानिश भाई रिकॉर्डिंग कहाँ से बोलते हैं ये मेरा रिकॉर्डिंग उस